किस तरह का सॉन्ग रिकॉर्डिंग किया गया, कुछ इसके बारे में कुछ बताइए आप। आज जो सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ है वो एक कवाली रिकॉर्ड किया है सूफियाना, जो सर ने बहुत अच्छा कंपोज किया है और सर ने उसे गीतकार प्रोडक्शन सब प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपका है। अब बहुत ही अच्छी कंपोजिंग किया दादा ने और बहुत अच्छा लिखा उसको। हम सूफियाना कलाम तो नाम है ही, मगर उसको जो नाम है वो है नाते रसूल, जो ये हमने पढ़ी है वो नाते रसूल है। और उसके अंदर जो जिस अंदाज का लिखा है सर ने, उसको बहुत अच्छे से कंपोज किया है दादा ने और बहुत मज़ा आया। काफ़ी वक्त लगा रिकॉर्डिंग करते करते, क्योंकि कई चीज़ उसमें कुछ अल्फाजों का खेल जो लिखा है बहुत उम्दा, कुछ आप लोगों को कुछ नया सुनने को मिलेगा। रहते आप लोग बिजी रखते, हम बिजी हो जाते। कव्वाली के बारे में क्या कहना चाहते? कव्वाली तो अभी आज कल ही मुझे लिरिक्स मिला और ये चैलेंजिंग का मामला था। मैंने 24 घंटे के अंदर इस गाने को किसी भी तरह से इसको रिकॉर्ड करके छोड़ेंगे। फिर सभी सबको फ़ोन किया, इन्होंने बोला दादा मैं आऊँगा, लेकिन इन्होंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला। आज इनका प्रीतम भाई के साथ कुछ काम था, बोले नहीं आपके गाना गा के ही मैं जाऊँगा, तो आके उन्होंने गाना गा दिया। थोड़ा टाइम लगा, वक्त लगा और साहब ने रजक साहब ने गाना लिखे हैं और बहुत बढ़िया से हम उसको सजाए काम किए। सर आप क्या कहना, कितना मुश्किल रहा इस तरह के सॉन्ग लिखने के लिए? ये वाकई मुश्किल वाली ही बात है। और अभी अभी आपने साबरी साहब से कह रहे थे कि कव्वाली ये इतना मुश्किल है जिस पे कर्म हो जाता है सरकारों का, तो ये भक्ति और शक्तियों से भरा हुआ, कर्म और भ्रम से भरा हुआ ये कलाम है। वैसे तो लिखने वालों ने नाम पर मदीने के शहर, मोहम्मद के शहर के नाम पर बहुत सारों ने लिखा है, लेकिन एक बार फिर हम अपने कलम को जुम्बिश देते हुए कागज़ की अंगड़ाइयों के साथ, शही और कलम के साथ इस कलाम को लिखा है। अल्लाह याद बहुत आता है मदीने के शहर में, अल्लाह ही अल्लाह नज़र आता है मदीने के शहर में। तो ये मदीना शहर एक ऐसा है भक्ति के लिए, अकीदतमंदों के लिए। तो आप सरकार है, अल्लाह के नबी हैं और उनके ऊपर कलाम लिखना बस की बात नहीं, ये अल्लाह की मर्ज़ी थी, ये अल्लाह के महबूब का करम था जो आज हम सब एक जगह पर जमा है। और इतनी बड़ी हस्ती आज इनका मुकाम आला और अफजल है। और हम चाह रहे थे, जब लिख रहे थे तो हमारा ये तसव्वुर था कि हम लिख तो रहे हैं लेकिन इसको गाएगा कौन। अब जब लिख रहे थे तो तस्वर में हमारे साहब थे एस पी सैन साहब, जो हमारे संगीतकार हैं, हमारे बहुत सारे कलामों को, ये हमारा पहला कलाम नहीं है, बहुत सारे कलामों को आपने संगीत दिया और इनके साथ में रहने वाले गुलकारों ने हमारा साथ दिया। और आज ये हमारा नसीब है सरकार दो आलम का कि हमने लिखा और हमारा इनाम जो है हमारे सामने है। हमारा इनाम जो है, हमारा जो लिखा हुआ इनाम। देखिए जनाब ने बहुत अच्छा लिखा है, इसमें कोई तारीफ की बात नहीं।